गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कविता मैम आपकी संस्कृत की टीचर। आज मैं चतुर्थ पाठा अभिलाषः के श्लोक का अर्थ बताऊंगी। दयामय देव दिनेशु दया दृष्टि सदा देया प्रतिज्ञा दीन रक्षया दयालो जातु नो हेया। हे दयामय देव, हे दयामय देवता, दीन दुखियों पर सदा दया की दृष्टि रखें या कृपा रखें। निर्बलों, कमजोरों, असहायों की रक्षा का वचन भी कभी मत तोड़ो। क्या हुआ? हे दयामय देव, दीन दुखियों पर सदा दया की दृष्टि रखो या कृपा रखो। निर्बलों, असहायों या कमजोरों की रक्षा का वचन कभी भी न तोड़ो। मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता तदेशा मूढ़ता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नीया। मानव आजकल दानव बन चुका है, इसलिए देश को अज्ञानता से बचाना चाहिए त्वदुपदेशामृत तव्यक्ता विपन्नो हंत लोको अयम तद्धाराय चेतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। खेद है, दुख है कि तुम्हारा उपदेश रूपी अमृत, हमको दुख है कि तुम्हारा उपदेश रूपी अमृत त्याग कर लोग इस संसार में दुखी बने हुए हैं। हे ईश्वर, तुम्हारा उपदेश रूपी अमृत त्याग कर लोग इस संसार में दुखी बने हुए हैं और इनके उद्धार के लिए एक बार फिर से गीता गानी चाहिए, गीता गाई जानी चाहिए। किमधिकं ब्रह्महे भगवन् विनीत प्रार्थने केयम् यदेते बालका स्वीया प्रभो न विस्मृति निया। हे भगवान, आपसे और क्या प्रार्थना करूं या विनय करूं? बस इतनी सी प्रार्थना है कि हम सब आपके बालक हैं, हम सब आपके ही बच्चे, हमें भूलिएगा नहीं, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब आपके ही बच्चे, हमें भूलना नहीं है, हमें भूलिएगा नहीं, हमारी रक्षा कीजिए। धन्यवाद।